अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग किन रिसोर्सेज से कौन से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से इजीली हम पेमेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में। वेलकम टू माय चैनल वेक्टर सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। सो गाइस, सबसे बड़ा और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पाकिस्तान में हम किस तरीके से ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लाइक फेसबुक का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ये लाइक अलीबाबा और अदर रिसोर्सेज लाइक थीम फॉरेस्ट और ऐसी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लाइक गोल्ड एक क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है, यानी आप उसे आम लफ्ज़ों में वर्चुअल कार्ड भी कह सकते हैं। हम किस तरीके से एज अ पाकिस्तानी हम किस तरीके से उसको जो है हम पेमेंट कर सकते हैं, ये हम आज इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं, जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से जो सर्वे किया है, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपके डेबिट कार्ड पे जो है ऑनलाइन इंटरनेट सेशन एक्टिवेट नहीं करते हैं। उनमें से सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक हैं जिसमें HBL है और अदर बैंक्स हैं, वो आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड पर इंटरनेट सेशन एक्टिवेट करके नहीं देते। इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप जो है किस तरीके से एक अपने इजीली मतलब आप अपना एक क्रेडिट कार्ड बनवा के या डेबिट कार्ड बनवा के एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप किसी भी MCB ब्रांच, किसी भी UBL ब्रांच या फिर इजी पैसे की अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है तो वहाँ से आप वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। इजी पैसे की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे UBL की। UBL आपको विस कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करता है। UBL इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान वर्चुअल कार्ड टू यूज़ फॉर इंटरनेट ऑनलाइन। अब इसके प्रोसेस क्या है और ये कार्ड आपको किस तरीके से मिल सकता है, मैं जो रेकमेंड करूँगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगा MCB के लाइट कार्ड, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड नाउ हडेज इन पाकिस्तान, मतलब सबसे बेस्ट और सबसे ईजी है। और भी इसके बहुत सारे दूसरे फ़ायदे हैं जिसके हवाले से मैं आपको बाद में भी गाइड करूँगा। तो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं तो आप MCB का कार्ड यूज़ करें। MCB कार्ड बनवाने के बहुत ही आसान तरीकेकार हैं। आप किसी भी MCB ब्रांच में जाएं और वहाँ पे आप अपना वर्चुअल कार्ड ऑर्डर प्लेस करें। ये कार्ड बेसिकली आपके मोबाइल नंबर पे क्रिएट होता है। क्रिएट से मुराद ये कि एक अकाउंट बनता है जो आपके मोबाइल नंबर पे होता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपका ओरिजिनल NIC और आपके जो है ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप कोई साथ लेके कोई आपका अदर बैंक कोई यूज़ करते हैं, अगर आपका MCB में कोई बैंक है तो आप वो भी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जा सकते हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिनल NIC और आपके नंबर्स पे जो है आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और विद इन अ 5 to 7 days के अंदर जो है आपका ये वीज़ा का कार्ड, MCB वीज़ा का कार्ड जो है आपके घर पे या आपके ऑफिस पे जो है डिलीवर हो जाएगा। ओके, आफ्टर कार्ड डिलीवरिंग, यानी चाहे आप वो MCB का बनवाएं या UBL का बनवाएं, दोनों में से आप किसी का भी कार्ड जब आपके आपको जब रिसीव होगा तो उसके बाद क्या क्या स्टेप है। उसके बाद का स्टेप ये है कि आपने इसका सेशन एक्टिवेट कराना है। इंटरनेट सेशन एक्टिवेट कराना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसके अलावा आपका कार्ड जो है ऑनलाइन परफॉर्म नहीं करेगा, ऑनलाइन इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होती। मैं कार्ड ये जो वर्चुअल कार्ड है मैं इसको इसलिए भी प्रिफेयर करता हूँ कि अमूमन जो हम लोग अपनी अदर बैंकिंग के जो कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मिजान बैंक है, UBL है, MCB है, दूसरे जो बैंक हैं, हम जो अकाउंट से जो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक डर ये होता है कि खुदा ना खास्ता कि हमारी भी पेमेंट जो है हैक नहीं हो जाए, हमारा कार्ड नंबर हैक नहीं हो जाए, या हमारा कभी समटाइम इंटरनेट सेशन एक्टिवेट होता है तो काफ़ी सारे पैसे भी इसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये कार्ड सबसे बेस्ट इसलिए है कि लेट सपोज़ अगर आपको 5,000 की ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या 10,000 की ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आप अप्रॉक्सीमेट 10 to 11 और 10,500 रुपीज़ जो है आप अपने इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। उससे फायदा ये होता है कि अगर आपने जितनी की शॉपिंग करनी है आपने उतने पैसे डिपॉजिट किए और वो चीज़ डिटेक्ट हो गई। तो इन केस अगर कोई ऐसे मिस हैंडलिंग हो जाती है, कार्ड ब्लॉकिंग इश्यूज आ जाते हैं, कार्ड हैक हो जाते हैं, कार्ड नंबर आपके स्टॉलिन हो जाते हैं, तो उसमें ये है कि आपके पैसे जो हैं इतने ज़ाया नहीं जाएंगे। तो सेशन एक्टिवेट कराने के बाद आप इस कार्ड को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सबसे जो बिगेस्ट है फेसबुक पेड मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं,
GoDaddy, HostGator, Bluehost, जितने भी होस्टिंग एंड डोमेन कंपनीज हैं, यहाँ से आप अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड के लिए आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। YouTube पे ऐड चलाने के लिए इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अलीबाबा, Draz.pk और भी जितनी भी दस वेबसाइट्स हैं, जितनी भी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जहाँ जहाँ पे वीज़ा और मास्टर कार्ड की जो सर्विस आपके अवेलेबल है, वहाँ पर आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड वीज़ा का है तो आपको जो है वीज़ा की सर्विस इसमें प्रोवाइड होती है और हर कार्ड का आपका यूनिक नंबर जनरेट होता है। कोशिश ये करें कि आप अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है आप अपने पास ही रखें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि इसके फ्रंट के 12 डिजिट्स और बैक के 3 डिजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें आपको पिन कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कार्ड के थ्रू आप ATM से भी पैसे विदड्रॉ कर सकते हैं और आप जो है इसको ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा जो है आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, टॉपअप कार्ड मोबाइल में बैलेंस अपलोड कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं विज कार्ड और MCB लाइट कार्ड के। अच्छा, दूसरा हम आते हैं इजी पैसा की वर्चुअल कार्ड। बेसिकली भी इजी पैसा ने कुछ ही महीनों पहले जो है अपने एक ऐप लॉन्च की है इजी पैसे मोबाइल बैंकिंग के हवाले से। उसमें UBL इजी पैसा जो है मास्टर कार्ड पावर्ड का एक वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड करता है। ये कार्ड बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाके आप या ऐप स्टोर से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप मास्टर कार्ड ऑप्शन में जाएं, वर्चुअल कार्ड ऑप्शन में जाएं। वर्चुअल कार्ड ऑप्शन में क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आप इसको क्रिएट करें और एक्टिवेट कर दें। इसमें आपको सेशन के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इसमें आपके पास एक्टिवेट और डीएक्टिवेट का बटन होता है। जब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो आप इसको एक्टिवेट कर दें और जब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो इसको डीएक्टिवेट कर दें। आप इस कार्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कार्ड उस सूरत में चलता है जब आपके पास इजी पैसे अकाउंट में अमाउंट मौजूद होगी। सो गाइस, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में। आप इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं। और भी कोई ऐसी सवालात या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।